आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना है, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपर हिट फिल्म तिरंगा के दमदार एक्टर नाना पाटेकर की, जिन्होंने अपनी रॉबली आवाज़ और अपने दमदार फिल्म एक्टिंग और डायलॉग से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। फिर चाहे बात हो तिरंगा फिल्म के निभाए गए शिवाजी राव वागले की किरदार की या फिर वेलकम में उदय सेठी की, इन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाया है, जिस वजह से उनके अभिनय के सभी कायल हैं, जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने सराहा है। नाना पाटेकर एक फिल्म एक्टर होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री के दमदार अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म 1 फरवरी 1951 को मुंबई में हुआ, जिन्होंने अपनी पढ़ाई सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लस आर्ट मुंबई से कंप्लीट की। यह एक इंडियन आर्मी भी रह चुके हैं। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की, लेकिन यह फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ खास साबित नहीं हो पाई। इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में तब नोटिस किया गया जब इन्होंने फिल्म परिंदा में एक खलनायक की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें अग्निसाक्षी, राजनीति, गुलाम ए मुस्तफ़ा और क्रांतिवीर जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं अगर बात करें नाना पाटेकर की लव लाइफ के बारे में, तो इन्होंने साल 1978 में नीला कांति पाटेकर से शादी कर ली। इनकी मुलाकात थिएटर में हुई थी, जो कि प्रोफेशनल से एक बैंक में ऑफिसर हैं। इनके इस शादी से इन्हें एक बेटा भी है। अगर बात करें इस दमदार एक्टर के बेटे के बारे में, तो शादी के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिस किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से नाना पाटेकर अंदर से बिल्कुल टूट गए। लेकिन इसके बाद उन्हें एक और बेटा हुआ, जिसका नाम मल्हार पाटेकर है, जो कि डायरेक्टर रामपाल वर्मा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और यह एक साधारण जीवन बिता रहे हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, जिस वजह से इनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो दोस्तों, नाना पाटेकर के बेटे के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही सदाबहार कहानी और किस्सों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।